नमस्कार दोस्तों, मैं पूनम स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का इंडियन फ्लाइंग चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम फिर से आपके लिए एयरलाइंस और ट्रैवल से जुड़ी हुई कुछ ज़रूरी और काम की खबरों को लेकर आ चुके हैं। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो इस समय एयरलाइंस से पहली बड़ी खबर आ रही है यहाँ पर सिंगापुर एयरलाइंस कंपनी की तरफ से। फ्रेंड्स, दुनिया में सिंगापुर एयरलाइंस पहली ऐसी एयरलाइंस कंपनी बनने वाली है जो कि अपने सभी एम्प्लॉयों को वैक्सीन लगाने वाली है। आपको बता दें कि एयरलाइंस सेक्टर में काम करने वाले एम्प्लॉयों को भी फ्रंटलाइन वर्कर की कैटेगरी में ही गिना जा रहा है, जिस कारण से अब यहाँ पर एविएशन सेक्टर में काम करने वाले सभी पायलट्स और क्रू मेंबर्स को कोरोना वायरस की वैक्सीन लगाने का काम किया जा रहा है। सिंगापुर एयरलाइंस ने अपने सभी एम्प्लॉयों के लिए ये सूचना निकाल दी है कि वे सभी के सभी लोग वैक्सीन लगवा लें, जिसके बाद अब तक 5,200 से भी ज़्यादा एम्प्लॉयों ने वैक्सीन लगवाने के लिए सहमति दे दी है। अगली खबर की तरफ चलते हैं जो कि आ रही है यूएई से। फ्रेंड्स, यूएई और इजराइल के बीच में वीज़ा फ्री ट्रैवल एग्रीमेंट को यूएई ने ख़त्म कर दिया है। इससे पहले दोनों देशों के बीच में ये सहमति बन गई थी कि यदि कोई भी पैसेंजर्स एक दूसरे देश में ट्रैवल करना चाहता है तो वो बिना वीज़ा के ट्रैवल कर सकता है, लेकिन अब कोरोना को देखते हुए यूएई की सरकार ने इस एग्रीमेंट को ख़त्म कर दिया है, जिसके बाद अब यदि कोई भी पैसेंजर्स यूएई से इसराइल जाना चाहता है तो उसको पहले वीज़ा लेना पड़ेगा, या फिर इसराइल से कोई पैसेंजर्स यूएई आता है तो उसको भी वीज़ा लेकर ही ट्रैवल करना पड़ेगा। अगली जानकारी जो यूएई से आ रही है उसके अनुसार यूएई अपने सभी कर्मचारियों को जो भी पब्लिक सेक्टर में काम करने वाले हैं या फिर आउटसोर्स पर काम करने वाले हैं, उन सभी लोगों का कंपलसरी कोरोना का जांच का फैसला किया है। यानी कि यदि आप यूएई में हैं तो अब आपको कंपलसरी कोरोना का जांच कराना पड़ेगा जब तक कि आप अपना वैक्सीन नहीं ले लेते। यूएई में कोरोना की वैक्सीन काफ़ी जोरों शोरों से लगाई जा रही है। अगली खबर की तरफ चलते हैं जो कि आ रही है भारत में वैक्सीन को लेकर। फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि 16 जनवरी से भारत सरकार ने भारत में सभी फ्रंटलाइन वर्कर को वैक्सीन लगाने का काम शुरू कर दिया है, जिसके बाद लोगों को वैक्सीन भी लगनी शुरू हो गई है। लेकिन यहाँ पर लोगों की तरफ से वैक्सीन को लेकर अभी भी कई तरह के सवाल आ रहे हैं, जिस कारण से भारत में लोग वैक्सीन लगाने के लिए नहीं जा रहे। भारत सरकार जितने भी लोगों को वैक्सीन लगाना चाहती है उनमें से 50% से भी कम लोग वैक्सीन लगवाने जा रहे हैं, बाकी के लोग वैक्सीन नहीं लगवाना चाहते। आपको बताना चाहेंगे कि भारत ने वैक्सीन के मामले में वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर लिया है, जिसने कि एक दिन में सबसे ज़्यादा कोरोना वायरस की वैक्सीन लगाने का कारनामा किया है। 16 जनवरी को जब भारत में वैक्सीन की शुरुआत की गई थी उस दिन भारत सरकार का टारगेट था कि एक दिन में 3 लाख से भी अधिक लोगों को वैक्सीन लगाई जाए, लेकिन प्राप्त जानकारी के अनुसार 2 लाख लोगों को ही पहले ही दिन वैक्सीन लगा दी गई। आपको फ्रेंड्स एक बात और बता दें कि दुनिया के बहुत सारे देश ऐसे हैं जो कि पिछले 1 महीने से कोरोना वायरस की वैक्सीन लगा रहे हैं, लेकिन अभी तक उन देशों ने 2 लाख का आंकड़ा नहीं छुआ है और भारत ने पहले ही दिन 2 लाख लोगों को वैक्सीन लगा दी है। अगली खबर ले लेते हैं जो कि आ रही है मुंबई एयरपोर्ट से। फ्रेंड, मुंबई एयरपोर्ट पर यदि आप गल्फ देशों से या फिर यूरोपियन देशों से या फिर साउथ अफ्रीका या साउथ अमेरिका जैसे देशों से ट्रैवल करके आते हैं तो आपको कंपलसरी 7 दिन इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में रहना पड़ेगा, उसके बाद ही आप अपने घर जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ एयरपोर्ट अधिकारियों के साथ मिलकर फ्रॉड करते हुए एक सब इंस्पेक्टर को पकड़ा गया जो कि पैसे लेकर लोगों का इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन को ख़त्म कर रहा था और उनको फ्रॉड तरीके से होम क्वारंटाइन ऑफर कर रहा था। आपको फ्रेंड्स यहाँ पर बताना चाहेंगे कि इसके बाद अब इस इंस्पेक्टर की गिरफ्तारी कर ली गई है और इस समय मुंबई एयरपोर्ट पर इस तरीके के गोरख धंधे का भंडाफोड़ हो गया है। अगली खबर की तरफ चलते हैं जो कि आ रही है पाकिस्तान से। फ्रेंड्स, पाकिस्तान एयरलाइंस कंपनी का विमान मलेशिया में सीज होने के बाद पाकिस्तान को पूरी दुनिया के सामने शर्मिंदा होना पड़ा और जिसके बाद अब पाकिस्तान इसका कारण ढूंढने के लिए निकल पड़ा है। आखिरकार इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई जिस कारण से पाकिस्तान को पूरी दुनिया के सामने बेइज्जत होना पड़ा। इसके लिए पाकिस्तान की तरफ से ये बोला गया है कि ये सब भारत ने करवाया है और इसके पीछे भारत सरकार का ही हाथ है, क्योंकि लीज देने वाली कंपनी के टॉप अधिकारी भारतीय हैं और जिस कारण से उन लोगों ने जानबूझकर पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस कंपनी का विमान जब्त करवाया है। इसके अलावा पाकिस्तान ने अपने कुछ अधिकारियों की भी खबर ली है जिनको की लीज एग्रीमेंट के बारे में नॉलेज नहीं था और उन लोगों से इतनी बड़ी गलती हो गई।
अगली खबर की तरफ चलते हैं जो कि आ रही है ऑस्ट्रेलिया से। फ्रेंड्स, ऑस्ट्रेलिया में नए ट्रैवल नियमों के तहत अब ऑस्ट्रेलिया में आने वाले लोगों के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगानी शुरू कर दी गई है, जिसके बाद अब एयरलाइंस कंपनियां जैसे कि एतिहाद एयरवेज ने अपने सभी पैसेंजर्स को इस बात की जानकारी दे दी है कि अब ऑस्ट्रेलिया में जाने वाले पैसेंजर्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगने वाली है और पैसेंजर्स अब लिमिटेड संख्या में ही ऑस्ट्रेलिया में ट्रैवल कर सकते हैं। ये नया नियम 15 जनवरी से लेकर 15 फरवरी के बीच में चलने वाला है। अगली खबर आ रही है यहाँ पर DGCA की तरफ से। फ्रेंड, DGCA ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसके अनुसार दिसंबर महीने में 60% से अधिक पैसेंजर्स ने रिफंड को लेकर कंप्लेंट किया है कि उनको अभी तक एयरलाइंस कंपनियों से रिफंड नहीं मिला, जिसमें सबसे ज़्यादा कंप्लेंट एयर इंडिया के पैसेंजर्स की तरफ से आई है। दूसरे नंबर पर स्पाइसजेट का नाम है। इन दोनों एयरलाइंस कंपनियों ने अपने पैसेंजर्स को समय पर रिफंड नहीं किया है। यहाँ पर आपको बता दें कि एयर इंडिया अब जनवरी महीने में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार पैसेंजर्स को रिफंड करना शुरू कर चुकी है। यदि आपका भी एयरलाइंस कंपनी के पास रिफंड का पैसा फंसा हुआ है और अभी तक आपको नहीं मिला है तो आप एक बार अपने ट्रैवल एजेंट या फिर एयरलाइंस कंपनी से बात कर सकते हैं, आपको अवश्य ही आपके टिकट का रिफंड मिल जाएगा। अगली खबर की तरफ चलते हैं तो फ्रेंड्स, आपको पता ही होगा कि किंगफिशर एयरलाइंस कंपनी के मालिक विजय माल्या, जिनके ऊपर बैंकों का 9,000 करोड़ रुपए लेकर भागने का आरोप है और इस समय ये यूके में है और इनके ऊपर यूके की कोर्ट में केस चल रहा है। बीते कल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बिठाई गई कमेटी के तरफ से इसके ऊपर केंद्र सरकार से जवाब मांगा गया कि विजय माल्या को भारत में लाने में क्यों देरी हो रही है। तो इस पर केंद्र सरकार ने ये जवाब दिया है कि यहाँ पर विजय माल्या को लाने के लिए कुछ कानूनी अड़चने आ रही है, जिस कारण से अभी तक ये मामला यूके की कोर्ट में फंसा हुआ है। अभी भी विजय माल्या को भारत में लाने के लिए लगातार यूके की कोर्ट में सुनवाई चलती रहती है, लेकिन उसमें अभी तक ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं आ पा रही, जिस कारण से अभी तक विजय माल्या को भारत सरकार भारत में लाने में असफल रही है। इसके ऊपर अगली सुनवाई अब मार्च महीने में होनी है। अगली और आखिरी खबर ले लेते हैं जो कि आ रही है सऊदी अरेबिया से। फ्रेंड, सऊदी अरेबिया के जवाजात से इकामा को लेकर जानकारी आई है, जिसके अनुसार अब आपके इकामा की वैलिडिटी 5 साल की रहने वाली है, लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि आपको समय पर इसका रिन्यूअल कराना अनिवार्य रहेगा। इसके लिए आप यदि रिन्यूअल टाइम पर नहीं कराते हैं तो आपको पेनल्टी भी देनी पड़ेगी। अब इकामा का रिन्यूअल ऑनलाइन भी किया जा सकता है, जो कि अक्सर प्लेटफॉर्म के माध्यम से ये मुमकिन हो रहा है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की एयरलाइंस की दिन भर की कुछ ज़रूरी और बड़ी खबरें। ऐसी और खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको हमारे द्वारा दी गई लेटेस्ट जानकारी वाली वीडियो सबसे पहले मिलती रहे। और फ्रेंड्स, आप अपना वैल्यूएबल सजेशन हमें कमेंट्स बॉक्स में दे सकते हैं कि हम अपने इस टॉप 10 की न्यूज़ को कैसे और इम्प्रूव कर सकते हैं।